गाइस चिली पनीर जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही हम सोयाबीन बनाएंगे चिली पनीर जैसे। आप इसमें चाहे पनीर डालो चाहे सोयाबीन डालो, प्रोसीजर वही होगा। मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, आप गाजर भी ले सकती हैं। इसमें सॉस तीनों प्रकार के डलेंगे। मैंने पैन रख दिया, इसको मैंने धो के पानी में भिगो के रखा था, फिर निचोड़ दिया। आप चाहो तो इसको उबाल भी सकती है, मैंने इसको उबाला नहीं है क्योंकि मैं इसमें अभी डायरेक्ट सेकूंगी। अब हम इसको दो मिनट ऐसे ही गैस पर भूनते रहेंगे, फिर प्याज भी डालेंगे, टमाटर भी डाल देंगे, सब एक साथ डाल देंगे, सारे मसाले भी डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए हमें रखिए ताकि इसका थोड़ा कच्चापन हट जाएगा। मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं रखती थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी ताकि इसमें इसका फ्लेवर ज्यादा आएगा। अब मैं इसमें यही सारे सॉस डाल दूंगी। अब इसमें मसाले डालेंगे, सबको धीमी आंच पे पैन में छोड़ेंगे। मिर्ची स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, दो चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जाएगा अमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन की मसाला, और नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं क्योंकि ये सॉस चाहिए इतनी सारी। अब हम इसको ढक के रखेंगे। बहुत जल्दी बन जाए। अब हम इसमें सॉस डालेंगे थोड़ी सी, तो हम इसमें इस स्वाद को डालेंगे कम ज्यादा। रेड चिली सॉस है, शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने आधा चम्मच डाली, टमाटर सॉस ज्यादा जाएगी, ये पसंद के हिसाब से डालेंगे। ये हमारी सॉस, चिल्ली पनीर समझो, चाहे चिल्ली मशरूम भी इसी तरह बनती है और सोयाबीन की तरह।